हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखेंगे कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि हैश, हम डॉलर साइन का यूज तो फॉर्मूला में करते ही आपने देखा ही है, तो हम हैश को फॉर्मूला में कब यूज करते हैं, ये बात हम आपके साथ आज इस चीज में करेंगे। जैसे मेरे पास लिस्ट ऑफ डेटा है, देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा लिस्ट है, इसमें कई बार रिपीटेड है, तो यहां हम यूनिक का फॉर्मूला लगाते हैं। यूनिक फॉर्मूला लगाने के बाद जब एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका यूनिक रिजल्ट आ जाता है। ये लेटेस्ट सेक्शन में ऐसा होता था, कंट्रोल सी एंटर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ, नीचे फॉर्मूला नहीं लगा, और ये बॉर्डर बन जा रहा है। मतलब कल के डेट में कोई नया नाम आता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इंदु की जगह पे आ लेता हूँ नमन, एंटर किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नमन नाम नीचे ऐड हो गया, तो ये इंक्रीज होते रहता है क्योंकि ये एरे कंसेप्ट है। इसलिए अब यहाँ अगर मान लीजिए कि कुछ चेंज करते तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो हमारा फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्पेल का एरर आ जाएगा। और मान लीजिए मुझे इसमें से ये देना है कि भाई मुझे इसमें काउंट लगाना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू है, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, तो काउंट पे कहाँ क्या एरर देंगे, आप इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिए 14 आ गया। लेकिन कल के डेट में अगर यहाँ पे कुछ आएगा तो बढ़ेगा थोड़ी, नहीं बढ़ पाएगा, फिर आप कैसे इस पर एवरेज देंगे, पूरा रो देना पड़ेगा, क्योंकि कितना नाम आगे पीछे जाएगा फर्क तो ही पड़ेगा या फिर एरर दोबारा लगा। तो इसी में हमारा यूज होता है हैश का। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट ए और इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे हैश दे देंगे। हैश की देते ही ये पूरा का पूरा स्पिन ले लिया, मतलब कि पूरा का पूरा रेंज ले लिया, और एंटर प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे काउंट ए देना होगा, रिजल्ट आ गया। कल के डेट में नया नाम ऐड होता है, जैसे ओम की जगह पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोहन, मोहन तो है मोनिका, मोनिका नाम दे दिया, तो देखिए यहाँ पे मोनिका आ गया और यहाँ देखिए 14 में 15 हो गया। तो हैश का यूज हम इसी चीज के लिए करते हैं, और आपने इस वीडियो को देखा उस पर बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरा ऐप चाहते हैं, मतलब कि पूरी रिकॉर्डेड वीडियोज का सीक्वेंस चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल ऐप से परचेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि तो मोबाइल ऐप में क्यों जाए परचेज करने के लिए, तो ये क्या होता है कि आप यूट्यूब पे तो वीडियो देखते हो, बहुत सारे बधेरे वीडियो आपको मिल जाते हैं, लेकिन क्या ना सर, गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है। YouTube वीडियो से आप नहीं सीखेंगे जब तक कि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, किसी का क्वेश्चन था, प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी और डाल दी, तो आपकी भी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको कॉल आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको सजेशन दूंगा। तो ये सब चीजें जो है हम आपके साथ हमारे क्लासेस में करते हैं। दो तरह की क्लासेस होती है, एक लाइव होती है जूम के थ्रू, और दूसरा होता है हमारा रिकॉर्डेड सेशन जो कि वीडियो के थ्रू होता है। तो मोबाइल ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फटाफट डाउनलोड कर लें और इस पर बातचीत करें। तो दिक्कत होती है, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ, कॉल कर सकते हैं, लाइव क्लास पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।